मथुरा से खबर है, जहां पर किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद गाह मस्जिद के ASI सर्वे की अनुमति पर रोक लगाए जाने का कर रही थी विरोध। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद गाह मामले में विवादित जगह के कोर्ट सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को दिए गए स्टेट के बाद किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हेमांगी सखी मथुरा पहुंची और यहां वह शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई और उन्हें वृंदावन के एक आश्रम में नजरबंद कर दिया गया। शाही ईदगाह मथुरा में जाने का ऐलान किया था। हाँ, था ऐलान, और आज ऐलान यही था कि शाही ईदगाह के सर्वे को क्यों रोका गया। और मैं कहती हूं मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है कि शाही ईदगाह में मंदिर होने का डर है, या उन्होंने कुछ शाही ईदगाह के अंदर छुपा रखा है, मंदिरों के अवशेष को छुपा रखा है, या उस बात का डर है? तो मैं कहती हूँ मेरे मुसलमान भाइयों को कि अगर आपको डर है तो किस बात का डर है? अवशेष हो ASI सर्वे की जांच होने दीजिए। अगर आपका मस्जिद है तो वो आपको मिलेगा, और अगर कृष्ण जन्मभूमि है, मूल जन्मभूमि है, और अवशेष निकल रहे हैं या निकलेंगे, तो फिर वो आप समझ सकते हैं कि वहां फिर जन्मभूमि ही बनेगा। जिस तरह से ज्ञानवापी की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें वहां पे मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, शिव मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, क्या कहेंगे? मैं उस पर यही कहूंगी, इससे पहले भी जब हमने वहां पे गए थे जलाभिषेक की घोषणा की थी और उस हमें प्रशासन ने रोक दिया था जलाभिषेक के लिए, और पुनः दूसरी बार हम गए थे जलाभिषेक के लिए, पुनः हमें जब रोका गया तो हम प्रशासन के बीच में हमने हमारा जलाभिषेक कर लिया, क्योंकि जब हमें मूल काशी विश्वेश्वर महादेव पे जलाभिषेक नहीं करने देंगे तो हम क्यों जाए फिर जलाभिषेक करने। हमने ज्ञान व्यापी मंदिर के बाहर ही अपना जलाभिषेक कर लिया और यही संदेश समाज को दे दिया कि भाई हमें रोका गया और हमने हमारा जलाभिषेक करके हम निकल गए वहां से। तो अब यहां जब मथुरा की बात आती है, ईदगाह की बात आती है, तो मैं यही कहूंगी मेरे मुसलमान भाइयों को, सर्वे होने दीजिए। किस बात का डर है आपको? क्यों बारंबार सर्वे को रोक लगाया जा रहा है? क्यों आप कोर्ट से एप्लीकेशन डाल रहे सर्वे रोकने का? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि उसके अंदर मंदिर के अवशेष छुपाए गए हैं, इसीलिए आपको डर होना नहीं चाहिए। अगर वो मस्जिद है तो मैं कहती हूं आपको डर होना ही नहीं चाहिए था, है ना? करने देते, ASI सर्वे की जांच को रोकना नहीं चाहिए था। आपने रोका है इसका मतलब आपको डर है कि कहीं ये मंदिर ना बन जाए वापस से, अवशेष उसके अंदर है और वो जानते हैं। और इसके लिए हम संतों का मौलिक अधिकार है कि इसके ऊपर हम बात करें, समाज के सामने रखे, कोर्ट को भी अवगत कराए कि ये ASI सर्वे रोकने का मतलब है कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष जो है उनको डर है। आज जिस तरह से आपने ऐलान किया था, आज आपको प्रशासन ने यही रोक दिया है? मैं यही कहूंगी, मैं तो पहले ही ऐलान कर चुकी थी शांतिपूर्वक करने की, मुझे तो कुछ ऐसा करना नहीं था, मगर प्रशासन को मैं क्या कह सकती हूँ, है ना? प्रशासन के सामने तो हम सब नतमस्तक है, क्या करेंगे, मजबूर है हम। तो अब अगर उन्होंने रोका है तो मैं क्या करूंगी, मुझे तो यहीं बैठना पड़ेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आगे का रणनीति देखेंगे कैसे क्या होता है, मगर अगर ASI सर्वे की जांच नहीं हुई तो मैं महातांडव करूंगी त्रिशूल लेके पुनः, और हाई कोर्ट तक जाऊंगी मैं। जब जब तारीख होगी ईदगाह को लेकर तो मैं कोर्ट में भी जाके खड़ी रह के महातांडव करूंगी। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।